गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज गए 11:30। दे रहे हमारे धीरू भाई आ गए मस्त कोचिंग वोचिंग पढ़ाई करके। ठीक है अभी धीरू भाई मैं कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं धीरू भाई बताओ जरा। ड्रोन से शॉट लेना। जोर से बोलो यार शर्मा। ड्रोन से शॉट लेना। ये जो रेलवे ट्रैक देख रहे हो ना आप, यहाँ पर ट्रेन आने का टाइम हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं अपने ड्रोन से जो हम नई मूवमेंट सीख रहे हैं ना FPV में, जो हम मतलब वो कर रहे हैं ना फन, कुछ ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा शॉट आता है। ट्रेन का एक शॉट का आइडिया तो है मेरे पास, बट लेट्स सी कैसा आता है। भाई बड़ी देर वेट किया, ट्रेन ही नहीं आई और ड्रोन हवा में था, क्योंकि अपने को जो शॉट चाहिए था ना वो उसके लिए ड्रोन को मतलब आसमान में होना ज़रूरी था, तो फिर तभी वैसा शॉट आता एकदम ट्रेन के मतलब ट्रेन सामने से आती, क्योंकि ट्रेन तो भाई कितनी देर में आपको क्रॉस कर लेगी, दो मिनट क्या बोल रहा हूँ, कुछ फ्यू सेकेंड्स में है ना। चलो चलते अंदर भाई। ट्रेन इतनी स्पीड में मेरी आंखों के सामने से निकल गई कि मैं कुछ भी ना कर सका, ड्रोन मेरे हाथ में रह गया। चलो कोई नहीं भाई, अपने थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है वैसे आपने आज छुट्टी ले रखी है, बट फिर भी अपना वीडियो एडिटिंग का काम जो बचता है तो टाइम पे कर लेते हैं भाई, ताकि शाम को हम आराम से फ्री रह सके बर्थडे के लिए। ओके थोर का थोड़ा सुन, निकालना कैसे अब ये चल रही कोमल के बर्थडे की तैयारियाँ। ठीक है टेंट वाले के पास लड़के नहीं थे तो हम ही लोग कर रहे हैं, मतलब धीरू भाई कर रहे हैं। यहाँ बन रहा है खाना, ये है मामा जी। चलो मैट्स ले आते हैं। चलो सो गाइस फिलहाल इतना काम हो चुका है देखो। ठीक है साउंड वाउंड भी आ गया। सो गाइस हम रेडी हो गए बर्थडे के लिए, एंड भाई बाहर बहुत जोर से डीजे बज रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्ड करना थोड़ा वो कर रहा हूँ, क्या इग्नोर कर रहा हूँ। कुछ शॉट्स वगैरह लेंगे हम जरूर लेंगे। सो गाइस इसमें एक गिफ्ट है जो मैंने कोमल के लिए लिया था फरीदाबाद से, एंड इसमें एक गोल्ड रिंग है तो कोमल को बाहर जाके अभी देंगे। एंड गाइस मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत ही लाउड डीजे बज रहा है, तो उसमें कॉपीराइट आने का इशू रहेगा। ठीक है चलिए बाहर चलते हैं, आपको दिखाते हैं चल के। प्रो ही पकड़ लिया अपन ने। ठीक है थोड़ा ना बर्थडे वाले शॉट्स लेंगे। चलो हाँ क्या बोल रही इशू।
को मन को देखो मामा जी का, बड़े मामा जी का है ना ये, बड़े मामा जी का बाबू यहां तक के जूते लग रहे हैं। नहीं नहीं खाली पैंट करता शूज है। ये मेरे पापा की तरफ से है। वाओ मैं लाई ये लाई ये कितनी सुंदर है। मेरे पापा की तरफ से नीला कलर, ये वाला कलर कैसा है ये दोनों ने नया लाई। अच्छा दोनों की खबर है क्या? चलो बता दो, ये खोलने से पहले बता दो। चलो अरे नहीं बताना, जा कर रहा हूं। नहीं बता, तुम बता दो क्या है ये। भी तो गरीब पति है ये मेरा। ये भैया ये मेरे सुबह से नहीं लेके आए थे। मेरे पास है सारे, सारे नहीं पता, नहीं दो दिए थे शायद। ये सूट कब आया? अरे चाचा जी का कटिंग दिया है। अस्सलाम वालेकुम। ओ मेरे मेरे फोन बना रहे हैं। अरे मिल गया। थैंक यू, इसमें लाइट चली गई और बहुत सुंदर क्या इसमें मत की तो टेडी बनाया है। तूने बार्बी डॉल दी है? हाँ मैंने बार्बी डॉल दी, क्योंकि मेरी दीदी मेरे लिए बार्बी डॉल जैसी है, इसलिए मैंने उसको बार्बी डॉल दी है। थैंक यू दीदी। बार्बी डॉल है और मैं कौन हूँ? चुड़ैल। मेरे दीदी सबसे गंदे। दीदी बार्बी डॉल नहीं, मेरे दीदी सबसे प्यारे हैं भाई। ये नहीं वो सच बताऊँ तेरे को, भाई ये ना जो लग रही है एनाबेल। और चीज भी है खाने की जो हम और दो रिंग है प्यारी प्यारी एक आठ दस में अभी सुबह सुबह। सो गाइस फिलहाल फंक्शन खत्म हो चुका है। देखो अभी अपने को ना ये लाइट है बंद करनी है, ठीक है? तो ये वाली जो लाइट है ना, ये हमने दुकान के पीछे लगा रखी है, इसको बंद करते हैं। वो वाली तो घर के अंदर से तो हो जाएगी इजीली, बट इसके लिए अपने को शॉप खोलनी पड़ेगी। ये देखो धीर भाई ने खोल दी दुकान, होगी चल भाई ये बंद कर दी। वो तो बंद हो जाएगी घर के अंदर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? एंड गाइस देखो फंक्शन खत्म हो चुका है। अभी क्या आपने खाना वाना खा लिया है? रात के 2 बजने वाले हैं, तो मैं आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड देखते रहिए पीयूष के ब्लॉग्स। सो गाइस गाड़ी अंदर डाल दी हमने, टेंट से चीर के अंदर डाल दी गाड़ी हमने, गाड़ी यहीं रहेगी रात में। टेंट वेंट तो कल ही खुलेगा भाई, देखो चलो चलते अंदर भाई, सोते होते हैं।